मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो ये है, दरियाए नील का नाम तो सुना होगा आपने, उसका हुस्न और जमाल पूरी दुनिया में मशहूर है। हाँ, उसकी रंगीनी, उसकी रानाई, दरियाए नील अय्याशी के लिए भी मशहूर है आज तक, आज भी उसमें कश्तियां जो है सजा करके ऐसे डांस होते हैं, रक्स होते हैं, सारी और भी बहुत सारी चीजें, दरियाए नील देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हम जहां रहते थे जिस हॉस्टल में, वहां से दरियाए नील सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है मिस्र में, और बहुत दुनिया की सबसे बड़ी लंबी दरिया का नाम, नदी का नाम है दरियाए नील। हजरत भी उसी हॉस्टल में 3 साल गुजार कर गए, और जब 40 साल के बाद आए थे यानी 2009 में, हजरत की बसारत, आंखों को कमजोरी लायक थी, देख नहीं पाते थे, तो कार में बैठे हुए हम गुजर रहे थे, दरियाए नील का ब्रिज आया, तो मैंने अर्ज किया कि हजरत हम दरियाए नील के ऊपर से गुजर रहे हैं। चलते चलते हम बता देते कि अभी करीब में ये चीज आई, वो चीज आई, तो हजरत को हमने बताया कि ये दरियाए नील के ऊपर से हम गुजर रहे हैं, तो मुस्कुराने लगे और फरमाते हैं, मेरे पढ़ने के जमाने में जब मैं यहां था, 3 साल रहा, कभी मुझे आने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ, कभी दरियाए नील देखा नहीं। मैं आज आपको बताऊं, यहां इंडिया से पढ़ने के लिए जितने भी जाते हैं, अभी दाखिला नहीं हुआ होता है, वो दरियाए नील देखने पहले जाते हैं, एडमिशन बाद में होता है, वो नील देखने पहले जाते हैं, पिरामिड्स पहले देखना है, अलेक्जेंड्रिया पहले देखना है, सब जाने वालों का ये हाल। हजरत फरमा रहे हैं 3 साल में रहा जामे अजहर में, कितना मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट का रास्ता है, फरमाते कभी मैं दरियाए नील देखा ही नहीं, और अब 40 साल के बाद आया हूं, तुम लोग उसके ऊपर से गुजार रहे हो, अब मेरी आंखें ही नहीं। ये मुत्तकी की जिंदगी होती है, जिसके सामने दुनिया की खूबसूरती फीकी है। हकीकत बात तो यह है, जिन नजरों में जमाले मुस्तफा बसा हो, उसे दुनिया की खूबसूरती कभी अपनी तरफ दावत दे ही नहीं पाएगी। ये उन बुजुर्गों की जिंदगी है। हुजूर ताजु शरिया दामा जिल्लहुल आली, आपका साया हम सब पर हमेशा कायम और दायम रहे। आप अपने तकवा और तहारत की जिंदगी को जिस तरह गुजारते रहे, उनकी पर्सनल लाइफ में मैंने देखा, वजीफों का टाइम अलग, लोगों से मुलाकात का टाइम अलग, अपनी इबादतों का टाइम अलग, फिर किताबें लिखने का टाइम अलग। आखिरी उम्र तक आंखें जा चुकी थी, देख के पढ़ नहीं सकते थे, उस जमाने में आपने तकरीबन 12 या 14 किताबें लिखी हैं। कैसे? उनके दामाद बैठे होते, मैं भी बैठा हूं लिखने में, और आज उनके पोते दामाद मौलाना आशिक साहब मेरे साथियों में से, हजरत बोलते जाते थे, वो लिखते चले जाते थे, लिखते जाते थे, इस तरह करते हुए आंखें जाने के बाद भी तकरीबन 12 किताबें आपने लिखी। आला हजरत की जात, उस वक्त जो किताबें आला हजरत की उर्दू में थी, उसको आपने अरबी में ट्रांसलेट किया, बहुत सारी किताबें मिस्र पहुंची और वहां से छप भी गई। और आपको यह भी मैं बताऊं कि मिस्र जब तशरीफ लाए थे, तो वहां पर आपका जलाल और जमाल देखने के काबिल था। उलमाए मिस्र जो जामे अजहर के असातिजा हैं, वो जल्दी किसी को भाव नहीं देते, दुनिया के बड़े इल्म वाले समझे जाते हैं, जामे अजहर में पढ़ा रहे हैं, वो बहुत ऊंचे लोग होते हैं, वो जल्दी किसी को मिलने नहीं आते। लेकिन हुजूर ताजु शरिया जब मिस्र आए थे, तकरीबन 27 असातिजा जामे अजहर के उनसे मिलने के लिए आए थे, मुझे याद है जितनों को दावत दी गई थी, उसके अलावा दूसरे यूनिवर्सिटियों के सब मिलाए तो तकरीबन 40 बड़े उलमा एक मजलिस में मौजूद थे। हजरत अरब लोगों के बीच में बैठे हुए थे, और वहां कैसा होता है, जिम्मेदारी की बात होती है, बात करेगा और वो भी एक अजमी आदमी अरब में बात करेगा, अरबी लोगों के दरमियान, हम डरे से हमें हमारी जुबान नहीं खुलती थी उन लोगों के सामने, और हजरत फसीह अरबी में आधा घंटा तक उनके सामने बयान करते रहे। 40 साल पहले पड़ी हुई अरबी मिस्र की उस वक्त तक उनके जहन में, जब बोलते गए वो असातिजा जो जामे अजहर के, वो अश अश करते रहे। उसके बाद मिस्र का एक तरीका है, अब जैसे यहां कैसे कोई भी आए बयान करे और चला जाए, वहां मिस्र में ऐसा नहीं होता, बयान करने के बाद मुकर्रर को बैठाते हैं, बैठो जो जो बयान किए ना उसमें कुछ सवालात हैं, हम सवाल करेंगे आप जवाब दो, वहां का कानून ऐसे ही है, तरीका है, कोई भी बोल के भाग नहीं सकता, यहां तो कुछ भी बोलो और चलो जाओ,
लोग सब सुनने को तैयार हैं, वहां ऐसा नहीं होता। मुकर्रिर को बिठाते हैं, बयान खत्म होने के बाद उसे 15 मिनट या आधा घंटा देना पड़ता। हजरत के साथ भी यही हुआ, आपका बयान खत्म हुआ तो लोगों ने कहा कि हमारे कुछ सवालात हैं, आप बैठें। हजरत बैठे रहे, सवालात आते रहे, फसी अरबी में हर एक का जवाब देते रहे। उसी मजलिस में मैं जानता हूं सोमालिया के, अफ्रीका के हबशी जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ते थे, कई तलबा जामे अजहर में 60 मुल्कों के तलबा उस मजलिस में हाजिर थे, इंडोनेशिया के, मलेशिया के, यूक्रेन के, इंग्लैंड के, बहुत सारी जगहों के जो स्टूडेंट बैठे थे, सबों ने हजरत के हाथ पर बैत की। उस वक्त उस मजलिस के बाद वहां पर बैत ली और हजरत से कहा कि आप अपनी सनद हदीस की इजाजत हमें अता करें। उस पूरी मजलिस में उलमा पर एक ही रौब तारी